नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दिलीप कुमार। अभी हम बात कर रहे हैं इसरो के अगली पीढ़ी के उपग्रह लॉन्चिंग के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो वर्ष 2023 का अपना चौथा मिशन 29 मई को सुबह 10:42 पर लॉन्च करेगी। इसरो के GSLV द्वारा लॉन्च किया जाने वाला यह अगली पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह NVS-01 है। 2332 किलोग्राम के अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह को मध्यम लिफ्ट लॉन्चर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के जरिए लॉन्च किया जाएगा। GSLV नेविगेशन उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एक अस्थायी पार्किंग कक्षा है जिसमें उपग्रहों को रॉकेट द्वारा छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उपग्रह स्वतंत्र रूप से अपने ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करके अपनी इच्छित कक्षा तक पहुंचता है। NVS-01 बेंगलुरु में इसरो के UR-RAW सैटेलाइट सेंटर द्वारा निर्मित अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रहों की श्रृंखला में पहला उपग्रह है। ये पहली बार है जब किसी उपग्रह में एक स्वदेशी परमाणु घड़ी का भी उपयोग किया जाएगा। साथ ही NVS-01 में एक अतिरिक्त L1 बैंड सिग्नल शामिल भी किया गया है। आपको बता दें कि भारत अपनी मुख्य भूमि और अपनी सीमाओं से 1500 किलोमीटर दूर नागरिक, रक्षा, स्थिति और समय सेवाओं के लिए भारतीय नक्षत्र यानी नाविक नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन का प्रयोग करता है। भारतीय नक्षत्र या INSS में उपग्रहों की एक श्रृंखला है। इन उपग्रहों में परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ियाँ अत्यधिक सटीक टाइम कीपिंग उपकरण हैं जो 1 सेकंड के 1/1000 हिस्से तक सटीक अनुमान बताती हैं। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी।